सब्सक्राइब करें टेक्निकल गोपी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोपी। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यार सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि गूगल एडसेंस पिन कैसे वेरीफाई करते हैं। सो दोस्तों, आपको क्या बताऊं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे मोबाइल में थोड़ी सी, तो जब मैं पिन एंटर कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ मोबाइल में, क्या हुआ, जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो डिलीट हो गई। सो दोस्तों, वहाँ पर जो मेरा गूगल एडसेंस है वो तो वेरीफाई हो गया। अभी वहाँ पर जो ऑप्शन आते थे पहले वेरीफाई के वहाँ पर, तो वो दोस्तों बिल्कुल वहाँ से हट चुके हैं। सो दोस्तों सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाया, पता नहीं क्या हुआ मेरे जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला था, तो उसको नहीं पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पर इनवैलिड एक्टिविटी कुछ लिख कर आ रहा है, क्या लिखा है पता नहीं, मेरे भी दिमाग से बाहर है। सो दोस्तों कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कुछ अगली वीडियो में किसी अपने दोस्त के या किसी अपने फ्रेंड के जो जिसका वाईफाई पिन जो आएगा उसको बोलूँगा कि वो वीडियो बनाकर मुझे सेंड करे, कोलैब करे मेरे साथ, तो मैं वो वीडियो आपको यहाँ पर अपने इस चैनल पर डालूँगा। सो दोस्तों एक बार फिर से सॉरी सॉरी सॉरी। सो दोस्तों चले छोड़िए इन बातों को, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ, आपके लिए दो गुड न्यूज़ है। तो पहली गुड न्यूज़ है कि आपको आज से जो वीडियो है डेली मिलेगी, हर रोज़ मिलेगी, क्योंकि मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा और आपको सुबह 7 या 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ वीडियो मिलेगी, किसी ना किसी टॉपिक पर मिलेगी। एक दो दिन क्या कहना कि कभी काम मुझे पड़ जाए, कभी काम हो जाता है तो उस दिन मैं छोड़ दूँगा। सो दोस्तों मैं ये कह रहा था, हाँ, और सेकेंड गुड न्यूज़ है दोस्तों कि अभी मैं कल को छोड़कर परसों मैं अपने घूमने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर माता चिंतपूर्णी, तो वहाँ पर दर्शन पाने माता जी के, तो वहाँ पर घूम कर आएंगे। तो मैं अपने घर से लेकर वहाँ पर तक बिल्कुल सभी जो एक्टिविटी की जाएंगी पूरा ब्लॉग बनाऊंगा दोस्तों, सभी एक्टिविटी रिकॉर्ड करूंगा अपने मोबाइल में कि कैसे कैसे मैं गया, और वो वाली वीडियो मैं आपको पूरी एडिटिंग के साथ यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करूंगा। सो दोस्तों बस इतनी सी आज की इस वीडियो में, और क्या बताऊँ आपको, क्या चाहते हैं आप, कोई न्यू टॉपिक बताइए जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ आप चाहते हैं। सो दोस्तों एक बात और मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया यूट्यूब पर, तो दोस्तों वेरी वेरी थैंक्स दोस्तों। और दोस्तों क्या बताऊँ आपको, अभी तो लाइफ परफेक्ट चल रही है। अभी देखिए बीकॉम के एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, 1 या 2 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएंगे, अभी देखिए 1 मंथ पड़ा है। सो दोस्तों क्या देखिए, अभी आप कॉलेज लाइफ में देखिए, जैसे अभी जुलाई में एडमिशन होती है, 15 जुलाई को एडमिशन हुई, अभी 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और अगस्त में जाकर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सो दोस्तों ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। सो दोस्तों अगर आप देख प्लीज़ सुनिए, आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। तो जुलाई में 15 जुलाई को एडमिशन होती हैं और 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं वगैरह वगैरह, टीचर आते नहीं जाते नहीं, कोई बच्चे नहीं आते। तो उसके बाद दोस्तों अगस्त में क्लासें स्टार्ट होती हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 मंथ बचे हैं दोस्तों। और नवंबर में तो 15 तारीख के बाद तो दोस्तों फ्री कर देते हैं कि आप घर पर बैठिए, उसमें बीच बचे हैं 3.5 मंथ। 3.5 मंथ में दोस्तों कॉलेज में वगैरह वगैरह फंक्शन होते रहते हैं, और पतझड़ की छुट्टियां आ गई हैं वगैरह, टीचर नहीं आते और बच्चों कभी लेक्चर लगते नहीं, कोई प्रोग्राम है जोड़ मारकर दोस्तों कम से कम मैं बताता हूँ कॉलेज में 30 या 35 लेक्चर लगते हैं। जी हाँ दोस्तों 30 या 35 लेक्चर लगते हैं, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। और बताइए आप 30-35 लेक्चर में बच्चा क्या पढ़ लेगा, क्या कर लेगा, काम जब क्या कहाँ से होगा। अभी हमको घर पर पढ़ना पड़ता है। कुछ टीचर तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे कॉलेज में, देखिए इतनी मोटी बुक है, अभी तो एक पार्ट है, अभी दूसरी बुक्स पढ़ी हैं। तो आपको क्या बताऊँ कि कुछ टीचर तो ऐसे हैं भी, उनको कुछ समझाना तो आता नहीं, तो जो हमने दूसरा पढ़ा होता है हम घर पर पढ़ते हैं वो भी हम से दिमाग से निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों कुछ टीचर तो ऐसे हैं, हाँ कुछ टीचर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। यार मुझे ऐसे लगता है जो कॉलेज में टीचर होते हैं, एक तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ,
सॉरी दोस्तों, मैं अपने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ बताना ही चाहता हूँ। अच्छी बात है। तो एक बात और, जैसे आप देखिए, अभी सभी स्कूलों में, सभी कॉलेज में जो असेसमेंट होती है, कॉलेज कॉलेज की तरफ से टीचर लगाते हैं भी, बच्चा कैसा है, MST वगैरह सभी कुछ अटेंडेंस देख कर लगाते हैं टीचर। सो 2 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, तो जो टीचर हैं ऐसा कुछ देख कर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, अच्छी बात है, हाँ टीचर लगाना चाहिए, बट आज की लाइफ में जो टीचर हैं, ठीक है, टीचर भी मतलब अगर कोई टीचर गलत करता है तो कोई बच्चा उनको जाकर ऐसे नहीं कह सकता, मैम आप गलत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मैम आप ऐसे गलत कर रहे हैं। अगर कुछ कहते भी हैं टीचर तो बदला लेते हैं भाई, असेसमेंट घटा देते हैं। ऐसे हैं टीचर आज की लाइफ में। टीचर मेरे साथ खुद हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ। अभी जैसे कुछ हमारे कॉलेज में लगा लो, एक मैडम है, वो कुछ समझाती तो है ही नहीं, कुछ पल्ले नहीं पाती, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। उनके 2 लेक्चर हैं, उनका दिमाग पता नहीं क्या है यार, क्या। एक तो मैडम को सब्जेक्ट मैडम ने कभी पढ़ाए नहीं गए, वो उनको दे दिए, ठीक है। आगे से मैडम कुछ ऐसी है, उन्होंने पहले भी हमारे दो वगैरह लाए हैं टीचर, दो पहले सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो उनसे भी दिमाग से बाहर था। तो अभी उनको दे दिया सब्जेक्ट, वो मैडम समझाती तो कुछ है नहीं, और बोलती कुछ हो रही है, बोलने का तरीका उसका अलग है, ऐसे बोलेगी जैसे क्या यार, बच्चों की बेइज्जती करने में पूरा खुलकर बोलेगी रहे भी क्या। टीचर टीचर तो वो है ही नहीं, सही बताऊं तुझे। अभी आप देख लीजिए कैसा माहौल है इंडिया में, अभी असेसमेंट टीचर को देखकर बच्चे टीचर की तरफ खींच लिए भी, हाँ टीचर की मुट्ठी में आ गए। आप ही देख लीजिए, अभी बच्चे कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं लगा मेरे मेरा ही लगा लो एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ टीचर को जाकर कह नहीं सकता कि मैम आप कैसे गलत कर रहे हैं, आप मैं अगर मैम लेक्चर नहीं लगाते तो मैं उनको जाकर ऐसे नहीं कह सकता, मैम आप लेक्चर क्यों नहीं लगा रहे। अभी यार मुझे डर है यार, असेसमेंट कम हो जाएगी मेरी, अगर असेसमेंट मेरी कम होगी मैडम तो बदला ले लेगी, 10 नंबर कम लगा देगी, क्योंकि टीचर मेरे बच्चा ऐसे वाह था, मैं क्या करूंगा बाद में, 10 नंबर कम हो गए मेरे, तो 2% ही सीधा चली जाएगी लाइफ में, 2% कम। तो देखिए आप पे 2%, एक एक नंबर की कितनी वैल्यू है यार, अभी की आज की लाइफ में बड़ा ही बेकार सा है। मैं तो इस असेसमेंट को बिल्कुल गलत समझा हूँ दोस्तों। हाँ कुछ टीचर अच्छे होते हैं, मैं नहीं बताऊँ, कुछ टीचर बहुत ही बढ़िया होते हैं, कुछ टीचर तो आजकल तो यार ना कम से कम 85%, 90 के करीब टीचर बदला लेने के लिए बैठे हैं यार, वो अपना जो गुस्सा है ना संभाल कर नहीं रख सकते। आज की लाइफ में टीचर प्रोफेशनल हो चुके हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे यार क्या बताऊं। सो दोस्तों सॉरी यार, ओके, और क्या बताऊं दोस्तों। अभी देखिए मैं BCom फाइनल में हूँ, अभी 5th सेमेस्टर के पेपर आएंगे मेरे, एग्जाम दिसंबर में, और लास्ट ईयर है मेरा, अब इसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो बस आज की वीडियो में दोस्तों लगता है इतना ही है। अभी मैं आपको बताया था कि मैं अभी घूमने जाऊंगा, तो उसका मैं पूरा रिकॉर्ड करूंगा, तो कोई पक्का पता नहीं है कि जाऊंगा या जा नहीं जाऊंगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। सो दोस्तों ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।